हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी डेटा। सो आज हम बात करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, इसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। तो इफ आईपी क्या है, द करंट इन कॉइल पी यानी कि प्राइमरी कॉइल। ओके, जो आईपी है वो क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल। एंड फाई एस क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द एस क्या है, सेकेंडरी कॉइल, ड्यू टू करंट इन द कॉइल पी। तो अभी जो फ्लक्स है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। यानी कि जितना हमारे सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बढ़ेगा उतना ही हमारा प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ेगा, और जितना हमारा प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ेगा उतना ही हमारा सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिया एम, जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब ये जो एम है वो क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डीटी। ये क्या है, फैराडेस का सेकेंड लॉ। ओके, तो यहाँ पे माइनस डी, तो हमने क्या किया, इस फाई की जगह पर हमने क्या लिखा है, एम इंटू आई पी, यानी कि एम इंटू आई पी। तो हमने क्या किया, इस एम को इस तरह से साइड में ले लिया और डी आई पी बाई डीटी। तो अगर इफ डी आई पी बाई डीटी अगर क्या होगा, वन, तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू एम, E इज इक्वल टू एम और एम इज इक्वल टू E। इसका मतलब क्या है, That is the mutual inductance of a coil with respect to magnetically linked neighboring coil is numerically equal to the EMF induced in it per unit time rate of change of current in the neighboring coil। इसका मतलब ये है कि हमारा EMF जो induce होगा हमारे first coil में, तो उतना ही वो क्या होगा, is equals to होगा किससे, जितना कि change of current हो रहा है हमारे neighboring coil में। okay? तो अब ये जो हमारा M है, M यानी कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर बेस है। तो फर्स्ट क्या है, हमारा साइज एंड शेप ऑफ कॉइल। सेकंड क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, यानी कि कितने इस कॉइल में वाउंड किया है, लपेटा गया है। और थर्ड क्या है, हमारा एंगुलर ओरिएंटेशन बिटवीन कॉइल्स, एंगल ओरिएंटेशन जो दो कॉइल के बीच में। और क्या है, सेपरेशन बिटवीन कॉइल। अब आपको पता ही होगा ना कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल यूज होते हैं। तो बस उन दो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न, साइज और शेप ऑफ कॉइल, एंगुलर ओरिएंटेशन और सेपरेशन बिटवीन कॉइल। और तुम्हारा फिफ्थ क्या है, हमारा फिफ्थ क्या है, मीडियम बिटवीन टू कॉइल, यानी कि इन दो कॉइल के बीच में का जो भी मीडियम होगा उसके ऊपर हमारा डिपेंड होगा। क्या डिपेंड होगा, एम। एम क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।